हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग ये सभी को निकालने वाले हैं, a+b^6, a+b^7, a+b^10, a+b^11, a+b^13, ठीक ना। ये सभी का हम लोग फॉर्मूला इस वीडियो में हम लोग कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे, ठीक ना। तो बहुत ही अच्छे से बेसिक्स एकदम सीखेंगे, ठीक ना। पहले a+b के होल स्क्वायर से सीखेंगे, फिर a+b का होल क्यू। थोड़ा सा हमको मच्छर ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक ना। तो a+b का होल क्यू देखेंगे, a+b का होल फोर देखेंगे, ये सभी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छे से ऐसा बता देंगे कि आप लोग दूसरे को बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए पहले इसको देखिए निकालने से पहले, ठीक ना, पहले कुछ सीखते हैं हम, ठीक ना। पहले a+b के होल स्क्वायर से चलते हैं। तो देखिए a+b का जो होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग लिखते हैं a² + b² + 2ab। लेकिन ये जो हम लोग लिखते हैं ना, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है, ठीक ना। अच्छा, फॉर्मूला गलत है, तरीका गलत है। इसको ऐसे लिखना चाहिए a² + 2ab + b², ऐसे लिखना चाहिए, ठीक ना। समझ आया ना कैसे लिखना चाहिए, ये समझ गए, ठीक ना। ऐसे अब देखिए a+b का होल क्यू, a+b का होल क्यू निकालते हैं, ठीक ना। तो a+b का होल क्यू देखिए क्या होता है, इधर बगल में लिखते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो a+b का होल क्यू, a क्यू होता है, प्लस में होता है 3a² b, प्लस में होता है और 3ab² और फिर होता है प्लस में b क्यू। ये होता है फॉर्मूला a+b का होल क्यू। अब देखिए ये ट्रिक से निकालते हैं, देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। अच्छा, इसका कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है ना, एक लिख लिया। फिर यहाँ पे दो है, कोफिशियंट दो लिख लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक हो गया, ठीक है। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर से ये देखिए लिए, ठीक ना, ये जो कोफिशियंट है a+b का होल स्क्वायर से लिए, तो a+b का होल क्यू निकालेंगे, ठीक ना। और जो a+b का होल क्यू जो इसका देखिए कोफिशियंट है ना, 3, 1, 1, तो इससे इस जब इसको हम लोग मतलब यूज करेंगे तो 4 को निकालेगा। कैसे यूज करेंगे ये भी बताएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ये देखिए एक है, तो पहले एक हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 3। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, आ गया 3। और फिर ये जो है इसको लिख देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए a+b का देखिए होल क्यू, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को गौर किए होंगे एक चीज, यहाँ पे एक चीज गौर किए होंगे कि ए देखिए घटते जा रहे हैं, नहीं गौर किए तो फिर हमें ना, हम बता रहे ना, यहाँ पे ए देखिए क्या हो रहा है, घटते जा रहा, बी बढ़ते जा रहा, बी बढ़ते जा रहा। देखिए देखिए पहले ए गो, ए कितना था, 2 गो, फिर ए गो आया, फिर खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, हो गया। फिर देखिए बी यहाँ पे देखिए 0 था, यानी 1 को नहीं है। फिर यहाँ पे ए गो आया, फिर 2 गो आया, यानी कि ए क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा, और बी क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 था तो पहले 2 लिया, यहाँ 3 है तो ए कितना लेंगे, 3 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, ए घटाते जा रहे हैं, तो a² फिर b बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, फिर ए घटाएंगे, ए घटा दिए, b बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर b मतलब 1 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, a घटाएंगे, तो अभी यहाँ पर कितना, 1 ही है, और घटा देंगे तो 1 को होना बचेगा, और फिर b बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, आपको समझ में आया यहाँ पे कैसे किए, यानी कि 1 को घटाते जा रहे हैं और b को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हॉल क्यों निकालना था, तो यहाँ पे 3 पहले ले लिए, फिर 3 से 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर खत्म। फिर यहाँ पे देखिए बी कितना है, 1 भी नहीं, फिर ए गो आया, फिर 2 गो आया, फिर 3 गो आया। अब तो ज्यादा नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हॉल क्यू है, तो क्यू अंतिम में वाला 3 ही है ना, तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सामान को बैठा दीजिए, 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 1 को तो हम लिख भी नहीं सकते। तो देखिए फॉर्मूला देखिए निकल गया ना, निकल गया, समझ में आया आपको। चलिए अब निकालते हैं a+b का होल फोर, ठीक ना। अब आप लोग तो समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। तो ये पहले देखिए इसका 1 था, 1 लिख लिया कोफिशियंट, फिर ये 3, फिर ये 3, और फिर 1, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसका 1 लिख देते हैं, फिर इसको जोड़ के लिखेंगे ऐसे 4 यहाँ पे, फिर इसको जोड़ के लिखेंगे 3 और 3 हो जाएगा 6, फिर इसको लिख देंगे 4, और फिर इसको लिख देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a+b/4 हमको लिखना है, तो पहले तो a/4 लिख लेंगे, a/4 लिखेंगे ना, क्योंकि a/4 मतलब 4 वाला हमको निकालना था, पहले a/4 लिख लिए। फिर अब हमको a को क्या करना, घटाते जाना, a को क्या करना, हमको घटाते जाना और b को हमको बढ़ाते जाना, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे 1 4 है और b कितना, 0। फिर यहाँ पे a 3 आया, b 1 आया,
फिर यहाँ पे ए कितना आएगा, दो गो आएगा, फिर बी भी कितना आएगा, दो गो आएगा, आएगा ना, समझ रहे हैं कैसे। यहाँ पे देखिए तीन गो ए था तो यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे ए गो बी था तो यहाँ पे दो गो बी है। अब यहाँ पे देखिए ए कितना, दो गो है तो ए गो आ जाएगा और बी तीन गो हो जाएगा, यहाँ पे ए खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बी कितना आ जाएगा, चार गो, ए खत्म और बी तीन गो से चार गो गए, कोई दिक्कत नहीं, आया ना समझ में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या था, एक है तो एक लिख दें, एक तो लिख भी नहीं सकते, छोड़िए हटाइए, फिर उसके बाद चार, उसके बाद छः, उसके बाद चार, उसके बाद एक लिख भी नहीं सकते, ये आ गया प्लस बी पर पावर फोर का फॉर्मूला। देखिए इजी है ना, एकदम इजी। आप चलिए फाइव को हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक ना, फाइव वाला, ठीक ना। तो फाइव को देखिए पहले तो ये है, इसका कोफिशिएंट जो था वो लिख लेते हैं, तो एक आ गया, फिर चार आ गया, फिर छः आ गया, फिर चार आ गया, फिर इसका वाला क्या आ गया, एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले एक लिख लिए, फिर इसको जोड़ के पाँच, फिर इसको जोड़ के चार और छः हो गया दस, इसको जोड़ के हो गया छः और चार हो गया दस, और एक और एक चार और एक हो गया कितना, पाँच, और फिर इसका वाला एक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी पर पावर फाइव को, ठीक ना, फाइव को लिखेंगे। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, पहले ए पर पावर फाइव लिखेंगे ना, क्योंकि ए पर पावर फाइव हमको निकालना है, ए पर पावर फाइव लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ए को घटाते जाएंगे, बी को बढ़ाते जाएंगे, तो घटाइए तो हो जाएगा ए पर पावर फोर, फिर हो जाएगा बी, फिर ए पर पावर थ्री, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा क्या, ए पर पावर हो जाएगा टू, फिर बी क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ए पर ए और फिर बी पर पावर फोर, फिर प्लस में हो जाएगा एक, अब खत्म हो जाएगा, बी पर पावर आ जाएगा फाइव। अब अच्छा यहाँ पे एक बात देख लीजिए, टर्म कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए दो था तो तीन, तीन टर्म, एक दो तीन, तीन टर्म आया, यहाँ पे तीन था तो देखिए एक दो तीन चार, चार टर्म आया, फिर यहाँ पे देखिए चार है तो एक दो तीन चार पाँच, यानी हमसे जितना पूछ रहा है ना उससे एक ज्यादा टर्म आ जा रहा है। अगर हमसे ए प्लस बी पर पावर 100 पूछ दे तो इसका टर्म कितना देगा, 101, 101 टर्म आएगा ना, समझ रहे हैं। अब ए प्लस बी का पावर 100 ना बोल दीजिएगा निकालने के लिए, तो 101 टर्म पूरा भर जाएगा, ये समझ रहे हैं ना। चलिए आप लोग घर में कोशिश करिएगा, पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है हम आपको बताएंगे ना, देखिए ना, ठीक है ना। अब देखिए ये लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, अब सभी का अंक लिख लेते हैं, एक तो नहीं लिखेंगे, पाँच तो लिख सकते हैं, फिर हो गया यहाँ पे दस, फिर यहाँ पे हो गया दस, फिर यहाँ पे हो गया पाँच, और यहाँ पे एक तो नहीं लिख सकते, ये हो गया ए प्लस बी पर पावर फाइव का फॉर्मूला, ठीक है, ये भी सीख गए। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होंगे कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे तब ए प्लस बी का होल क्यूब निकाले, ए प्लस बी का होल क्यों निकाल ले तब उससे रिलेट करके हम ए प्लस बी पर पावर होल फोर निकाले, उसके फिर बाद फिर हम फाइव निकाले फोर से। इसका मतलब है कि अगर हमको बोल दे ए पर पावर इसका 13 निकालने के लिए, ए प्लस बी पर पावर हमको 13 निकालने के लिए, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, शुरू से ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पहले पता रखना पड़ेगा, उसके बाद क्यू निकालना पड़ेगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व तक हमको निकालना पड़ेगा, तब हम 13 का निकाल सकते हैं। नहीं ऐसे ना अभी करते आ रहे हैं, देखिए चार निकाले हैं तब हम पांचवा का निकाले हैं, ठीक ना। अब छठा का निकालते हैं, जब हमको बोल दें कि ए प्लस बी पर पावर सिक्स हमको निकालने के लिए, तो इतना हमको करना पड़ेगा तब हम ये निकाल लेंगे, यही ना अभी हम लोग देखते हैं। अगर कुछ हम ऐसा बता दें कि डायरेक्ट में हम अगर निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, हमको ये सब करना ना पड़े, हम डायरेक्ट निकाल लें, अगर हमको ए प्लस बी पर पावर 13 बोल रहा है तो हम डायरेक्ट निकाल लें, हमको इतना ना कड़क करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए वो सीखते हैं, ठीक है, तो इसको पहले हम रफ कर लेते हैं। ये एक तरीका था, ये भी तरीका आप लोग याद रख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा करते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। अब जो देखिए जो तरीका अपनाने मतलब लगाने जा रहे हैं ना, वो देखिए तरीका पहले हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगाते हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग को मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, मतलब आप लोग को भी समझ में आ जाए कि हाँ ये जो तरीका बताए हैं वो सही है, गलत नहीं है, ठीक ना। देखिए पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं वो तरीका से, ठीक ना। अच्छा देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले तो हमको ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर है तो ए आएगा ही। अच्छा उसके बाद देखिए टू आता ही है, टू तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये टू आता ही, क्योंकि टू बोला तो यहाँ पर टू आता है, थ्री पूछेगा तो यहाँ पर थ्री आएगा, फोर पूछेगा तो यहाँ पर फोर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए घटाते जाते हैं ना, तो घटाइए ए घटा दिए, फिर बी को क्या करते हैं हम लोग बढ़ाते हैं, तो बी आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए आगे
यहाँ पे फिर ए घटेगा और बी क्या होगा बढ़ेगा, बी बढ़ेगा। ये तो पहले हमको जानना जरूरी है, तो हम लोग सीखेंगे। बात है यहाँ पे अंक बैठाने की, अंक बैठाने की ना। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या है, एक है, इसका पावर क्या है, एक है। तो ये दोनों पावर को हम गुणा करेंगे, 2 × 1। अब जो ये है ना, ये और अपने मन से एक, अपने मन से एक को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ऊपर में कितना आया, 2, और नीचे में आया 2, यानी कि आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए एक है ना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा ना, ए प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, पहले तो देखिए जो ए क्यू है तो ए क्यू हम लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, ये 3 आता तो 3 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब ए को घटाते जाएंगे तो ए स्क्वायर हो गया, और फिर बी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना, बढ़ाते जाएंगे ना। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को हम गुणा करेंगे, ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इसका पावर एक और अपने मन से एक जोड़ देंगे, अपने मन से एक जोड़ देंगे, ये पावर इसका है, ठीक है, बी का। अब देखिए इसका 3 × 2 हो गया 6, और बटे में हो गया 2, यानी कि आ गया 3, 3 ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, लिखे ना 3, समझ में आ रहा कैसे हो रहा जो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए 2 को था ना, तो इसको तो हम घटाते जाते हैं और बी को बढ़ाते जाते हैं, ये तो हमको कंटिन्यू करना ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या गया, 1, तो इसके बाद कौन सा अंक आएगा, तो पहले ये देख लेते हैं ना। तो इसको गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ के ना हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, तो 3 × 1 और बटे में 2 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 3 और बटे में हो गया 3, यानी क्या गया 1, 1 आया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए तो आ गया 0, और फिर बी कितना आ जाएगा, बी क्यू, और 1 लिख लेंगे तो जरूरत है ही नहीं। समझ में आया, आया समझ में, नहीं समझ आ रहे थे, ए प्लस बी पर पावर 4 देखिए, उसके बाद आपको पक्का कन्फर्म हो जाएगा। चलिए देखिए हाथ से ही मिटा लेते, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हाथ ही खराब होगा। ए प्लस बी पर पावर 4 देखिए, पहले तो ए पर पावर 4 हम लिखेंगे, ये तो लिखना ही है, फिर 4 है तो 4 यहाँ पे आता ही है, 4 यहाँ पे क्या होता है, आता ही है। अब ए को देखिए घटा दिया जाएगा, तो ए पर पावर हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर बी को बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम गुणा करेंगे, 4 × 3, और यह इसका पावर और अपने मन से एक जोड़ के भाग कर देंगे, अपने मन से एक जोड़ के भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4 × 3 हो जाएगा 12, बटे में हो जाएगा 2, यानी आ गया 6। तो यहाँ पर लिखेगा 6, यहाँ पे लिखेगा 6, ठीक है, 6 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, फिर ए को घटाएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी को बढ़ाएंगे, बी को बढ़ा दिए, फिर प्लस, ठीक ना, और फिर क्या करेंगे, फिर दोनों को गुणा करेंगे, 6 × 2 और बटे में 2, बी का कोफिशिएंट, ठीक ना, सॉरी बी का ये जो 2 है ना वो लिख देंगे, और फिर अपने मन से एक जोड़ देते हैं ना, तो अपने मन से एक जोड़ देगा, ठीक ना। तो 6 × 2 हो जाएगा 12, बटे में हो जाएगा 3, यहाँ पे आगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, और ए घटा रहे तो ए हो जाएगा, और बी बढ़ा रहे तो बी क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगले बार देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 4 में 1 से हम उन लोगों को गुणा करेंगे, और बटे में 3 है, यहाँ पे मतलब बी का पावर क्या है, 3 है, और फिर 1 तो अपने मन से जुड़ते हैं ना, तो 1 अपने मन से जुड़ देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर कितना आ गया 1, तो यहाँ पर लिखेगा 1 और एक कितना आ गया 0, और बी कितना आ जाएगा 4, और 1 लिखने की जरूरत होता ही नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम जो, अगर आप लोग को समझ में, यानी कि क्या करेंगे हम लोग ना, पहले तो हमको क्या करना कि जो हमसे पूछेगा वो पहले हमको लिखना, यानी ए पर ए प्लस बी पर पावर 4 लिख पूछ रहा है हमसे, तो पहले ए पर पावर हमको 4 लिखना पड़ेगा, उसके बगल में फिर 4 लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अगर देखिए अब निकालते, देखिए थोड़ा सा ज्यादा होना, ठीक ना, जैसे अब निकालते हैं हम लोग ए पर पावर 10 का, ठीक ना, ए सॉरी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ए पर पावर हम लोग 7 निकालते हैं, ठीक ना, ए प्लस बी पर पावर 7, तो पहले देखिए ए पर पावर हम 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे, जो हमसे पूछेगा वो हम लिखेंगे, ठीक ना, हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ए को घटाते जाएंगे, बी को बढ़ाते जाएंगे, ए को घटाते जाएंगे, बी को बढ़ाते जाएंगे, ए को घटाते जाएंगे, बी को बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद जो उसका पावर आएगा ना, तो ए वाला पावर और जो बगल में अंक रहेगा वो दोनों को गुणा करके, और बटा में जो बी वाला पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ के और भाग कर देंगे, ठीक ना। जैसे देखिए पहले इसको देखिए घटाइए तो हो जाएगा ए पर पावर हो जाएगा 6, और बी को बढ़ाएंगे तो हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 × 6 में गुणा करेंगे, मतलब 7 × 6 में गुणा करेंगे, और नीचे में सॉरी यहाँ पे 1 है और 1 अपने मन से जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना 1, यानी कि यहाँ पे गुणा करेंगे 7 × 6 हो जाएगा 42, बटे में 2, यहाँ पर काट करेंगे तो हो गया 21, यानी यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे कितना आ गया 21,
और फिर देखिए यहाँ पे ए सिक्स न था तो ए हो जाएगा यहाँ पर फाइव, और बी कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि बी ए वो था तो यहाँ पे हो गया दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद देखिए फिर इसमें गुणा करेंगे तो 21 × 5 और बटे में हो जाएगा दो, ये है तो दो कर देंगे और एक अपने मन से जोड़ते हैं तो एक अपने मन से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 × 5 और बटे में हो जाएगा 3, इसको इससे गुणा कर भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 बजे 35, यानी यहाँ आ गया 35, यहाँ आ गया 35, समझ आया ना। और 35 आया तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए घटते जा रहा है ना तो ए पर पावर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा ए पर पावर 4, और यहाँ पर बी बढ़ते जा रहा है तो हो जाएगा बी क्यू, फिर प्लस में। उसके बाद देखिए फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो 35 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे और बटे में बी वाला जो पावर है उसको लिखेंगे, और फिर एक अपने मन से जोड़ते हैं ना तो एक अपने मन से जोड़ दिए। अब देखिए इसको कितना, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 ना, तो यहाँ पर 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, इसे ही कट जाएगा तो बचा कितना 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। आई ए पर पावर 4 है तो अब इस बार के क्या हो जाएगा, ए पर पावर 3 और बी पर पावर हो जाएगा 4, हो गया ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं, हाथ से मिटा लेते हैं। चलिए देखिए ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 35, यहाँ पे थोड़ा साइड में करते रहे, 35 × कितना हो जाएगा 3 और बटे में क्या करेंगे, ये बी वाला पावर और अपने मन से एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, फिर इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा 21, यानी कि प्लस में हो जाएगा 21 21, और फिर ए कितना है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि ए घटते जा रहा बी बढ़ते जा रहा, ठीक है ना। फिर प्लस में फिर देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे, यानी 21 × 2 और बटे में हो जाएगा 5 और प्लस में अपने मन से 1 यानी कि 6, यानी 21 × 2 और बटे में हो जाएगा 6, यानी 2 × 3 = 6 और 7 × 3 = 21, यानी हो जाएगा 7a b/6 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, यानी कि हो जाएगा b/7 b/7। अब इसका देखिए 7 पूछ रहा है ना तो इसका कोफिशिएंट सॉरी जो टर्म है वो 8 रहेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, ये भी समझ गए और आपको बनाना भी जान गए होंगे आप लोग। अच्छा ये एक बात है, थोड़ा सा अगर इसको करते रहिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या है ना कि जब मैक्सिमम चल जाए, जब मैक्सिमम चल जाए ना तो उसके बाद हम लोग पीछे घूमने लगते हैं, उसके बाद क्या लोग घूमने लगते हैं पीछे, जैसे देखिए मैक्सिमम यहाँ पर पहुँच गए ठीक ना, तो उसके बाद देखिए पीछे घूमने लगे, पीछे घूमने लगे यार फिर 35 आ गया, फिर देखिए 21 आ गया, फिर देखिए क्या आ गया 7 आ गया, फिर आ गया 1 आ गया, यानी कि हम लोग को करना आसान रहा हो जाएगा जब मतलब आधा जब मैक्सिमम हम लोग पहुंच जाएगा ना तो बस उसके बाद हम जो अंक रहेगा उसको क्या करते जाएंगे पीछे करते जाएंगे, एक एक बार पीछे करते जाएंगे, एक एक बार पीछे करते जाएंगे। जैसे एक एक और हम लोग निकालते हैं ए पर पावर 8 का निकालते हैं, ए पर पावर ए सॉरी ए प्लस बी पर पावर 8 का निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए करते हैं, तो ए प्लस बी पर पावर 8 का निकालते हैं, ठीक ना। तो ये पहले का पहले देखिए हम लोग जल्दी जल्दी से थोड़ा कर लेते हैं, ठीक ना। ए पर पावर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर ए पर पावर 7 और फिर बी आ जाएगा ना, क्योंकि हमको ए घटाते जाना और बी को बढ़ाते जाना, ठीक है। तब देखिए इसको इसको गुणा करेंगे ना तो 8 × 7, देखिए यहाँ पर करते 8 × 7 और बटे में ये बी वाला पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है ना, और अपने मन से 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 8 को तो आ जाएगा 4, यानी 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे आ जाएगा 28 और फिर ए पर पावर 7 था ना तो हो जाएगा ए पर पावर 6 और बी का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28 × 6 और बटे में क्या हो जाएगा ये पावर बी का कितना है 2 और फिर प्लस 1 अपने से ऐड करेंगे ना तो हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 से ये 6 को काटेंगे तो हो जाएगा 2, अरे 28 × 2 कितना हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा कितना ए पर पावर 5 और बी का हो जाएगा क्यू, ठीक है। फिर प्लस फिर इससे इससे में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56 × 5 और 3 यहाँ पर बी का पावर है तो बटे में करेंगे और 1 अपने मर से तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 को जब 56 से गुणा करेंगे तो 4 मरते हुए 14 मरते हुए कट जाता तो 14 × 4 = 56 होता है ना, तो सॉरी हाँ 14 × 4 = 56 होता है। अब इसको देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70, तो यहाँ लिख देंगे 70, इसको गुणा करेंगे सॉरी अब यहाँ पे देखिए कितना देगा ए पर पावर 5 था ना ए पर पावर 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा बी पर पावर 4, समझे। अब चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 70 और 4, तो 70 में 4 गुणा करेंगे और बटे में हो जाएगा
चार बी का बी पर पावर वाला और एक अपने मन से, तो यहाँ पर कितना हो गया चार और एक हो गया पाँच, तो पाँच में इससे भागा कर देंगे यानी कट करेंगे तो कितना आ गया पाँच में करेंगे तो हो जाएगा 14 5 70, 14 5 कितना हो गया 70 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 14 और 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 416 6, 4 आएगा 5 156, नहीं सॉरी 56 ना, सिर्फ आएगा 14 4 56, 416 6, 4 1 5 56, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, इतना इजी था फिर भी कन्फ्यूज हो जा रहे हैं ठीक है। तो 56 अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए क्यू ए क्यू और ठीक ना, देखिए यहाँ पर आ जाएगा बी फाइव बी फाइव। अब देखिए क्या मैक्सिमम ये था ना, मैक्सिमम ये था ठीक है, मैक्सिमम ये था। अब इसके पीछे देखिए चलने लगा, ये देखिए आ गया 56 और उसके बाद देखिए आ जाएगा 28, फिर आ जाएगा ए, ये देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा और बी सिक्स हो जाएगा, फिर देखिए आ जाएगा 8, फिर ये वाला देखिए ए आ जाएगा और फिर बी कितना आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा ए 8। देख लिए समझ में आया ना, देखिए कैसे किए यहाँ तक ये हम लोग और फिर इसको डायरेक्ट कर दिए ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी पूछे ये पूछे ये पूछे ये पूछे, आप लोग क्या कीजिएगा कि हमको ए पर पावर 10 का ए पर पावर 10 का निकाल के ईमानदारी पूर्वक, आपको समझ में आया कि नहीं हमको इसी से पता चल जाएगा ठीक ना। तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा है लंबा एस ए डब्ल्यू कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी निकालिए और क्या करिए ए प्लस बी का पावर जो 10 है इसको ऐसे करके निकालिए ठीक ना, और उसको क्या करिए कमेंट में लिख दीजिए ठीक ना, कमेंट में लिख दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग जरूर बताइएगा ठीक ना। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ठीक है। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।